लोकसभा चुनाव से पहले सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी जो कुछ करती है अपने लिए करती है, लेकिन कांग्रेस जो कुछ करती है जनता के लिए करती है। बीजेपी के अब की बार 400 पार के नारे पर कटाक्ष करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हम पेंशन करेंगे 6000। उन्होंने कहा कि हम जनता के लिए नारा दे रहे हैं, जबकि बीजेपी जो कुछ भी करती है वो अपने लिए करती है। ऐसे में फैसला जनता को करना है। ये हम नारा दे रहे हैं, बीजेपी कह रही है 400 पार, हम कह रहे हैं कि हम पेंशन करेंगे 6000। हम कर रहे हैं जनता के लिए नारे, बीजेपी कर रही है उनके लिए नारे। ये फर्क है, लोग ये फर्क समझ रहे हैं कि हम जनता के लिए चल रहे हैं और बीजेपी अपने लिए चल रही है।